जवेरा के पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और सक्रियता के साथ वे लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जान रहे हैं। ऐसे हालात में प्रताप सिंह लोधी देवरी गांव पहुंचे। सिग्रामपुर के करीबी ग्राम देवरी में उन्होंने पहुंच करके लोगों की समस्याएं जानी, साथ ही उनके समाधान के लिए प्रयास की बात कही। फूट जाएगा वो बचेगा नहीं, देख लो आप लोग। अरे गांव गोरा रहा। कौन से गांव में तालाब बना है? गोरा रहा में जो तालाब बना है, चौरई पंचायत चौरई टोला सब कमजोर बंदा है। कमजोर है अभी, बन जाएगा तो वो माने नहीं फूटेगा। बरसात में पानी की समस्या है, बोल दो। किसके द्वारा बनाया गया था तालाब? तालाब एनजीओ वालों ने वनवाग वालों ने बनाया था। काम किसने करवाया था? काम एक पानना की लाइन पानना का तो लोधी समाज का उपदेश है। उपदेश जयराम आया है कि आज हम चौराई पंचायत के गुरहरा मोहल्ला में हम लोग बैठे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि एक मनरेगा के द्वारा एक तालाब निर्मित हुआ है यहाँ, वो फॉरेस्ट एजेंसी थी और जिसने भी काम किया हो उसमें, लेकिन वो कमज़ोर है और जो भी उसका वेस्ट बियर है वो भी नहीं बनाया गया। तो इनका कहना ये है कि यदि बरसात होगी और इस साल इतना कमज़ोर बना है कि टूटेगा तो ये गांव पूरा मोहल्ला का मोहल्ला बह जाएगा। तीन गाँव बहते हैं। तो हम लोगों का प्रशासन से मांग है, जिसने भी एजेंसी हो, कलेक्टर साहब भी हो, DFO साहब, जिसने भी एजेंसी ने ये बनाया हो, अभी समय है, पानी नहीं गिरा है, उसका बैकवियर कम से कम नीचा किया जाए, जिससे कि लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं वो बरसात में ना आए।